नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया इलाज। जैसे कि आयुर्वेदिक है, एक नेचुरोपैथी है, एक सिब्बा है, तो इसी तरह की ये नया इलाज है। सुबह जी बताएंगे क्या इलाज है, बताइए। सोगा रिप्पा, ये लेह लद्दाख का इलाज है। आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिखाओ चार्ट, दिखाओ इधर लाओ, फॉक्स करो, उंगली मारो, फॉक्स करते हैं, थोड़ा करीब से लेके आओ। ले लद्दाख का है ये, सोबा रिग्पा। पूरी टीम ले लद्दाख से आई हुई है, पूरी टीम डॉक्टर आए हैं वहाँ से। ये मेडिसिन आई है, ये दिखाओ, मेडिसिन ऐसे आती है और उसी के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। और यहाँ पे जो डोज होती है, डोज का भी ऊपर लिखा रहता है कैसे लेनी है। ये देखिए कि मॉर्निंग में लेनी है, इवनिंग में, या टिक मारी जाती है। ये दिल्ली में कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ लेह लद्दाख में है। अगर यहाँ मेडिसिन चाहिए किसी को तो निजामुद्दीन के पास तिब्बतन फैमिली से रहती है, वहीं पे ये दवाई मिलती है और बहुत इफेक्टिव है। और क्योंकि पहाड़ों पे ठंड ज़्यादा होती है तो चेस्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए ये काउंटर है। अगर किसी को चेस्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठंड ज़्यादा लगती है, तो कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी तो सारी दवाई रहती है। और इनके डॉक्टर्स नहीं हैं तो आप कोट, कौन सी जगह बताया था, दिल्ली में निजामुद्दीन के पास ही आपको डॉक्टर मिलेंगे और वहीं पे ये दवाई मिलेगी। आपको आना ही हो गया, रुबी जा बाकी बात करें। देखिए, हम तो पहली बार ही इसका अनुभव कर रहे हैं और यहाँ मेले में, आयुर्वेद मेले में आने के बाद ही हमें इसकी जानकारी मिली कि इस तरह की भी कोई सोबा रिग्पा, इस तरह की भी कोई मेडिसिन होती है और इसमें छोटी छोटी दवाइयाँ वो हमें देंगे। और अभी सर भी कंसल्ट करके आए हैं तो यहाँ पर डॉक्टरों की के थ्रू सभी लोगों को कंसल्टेंसी भी दी जा रही है और उनका चेकअप भी हो रहा है, उसके बाद उनको मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। अगर आपको भविष्य में दवाइयाँ सूट करती है और आप आगे फिर से लेना चाहते हैं तो हम निजामुद्दीन के पास में इनका सेंटर है, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा आयुर्वेद में सिर्फ हम आयुर्वेद से ही ले सकते हैं, हम एक ये नई टेक्नोलॉजी, नई दवाइयाँ हमने देखी हैं सोबा रिग्पा की, इसके थ्रू भी इंसानी जो हमारे शरीर की बीमारियाँ हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें और समय समय पर हम ऐसी जानकारी देते रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।